हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले मछली के अंडे का बहुत ही टेस्टी बनने वाला रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप भी इस तरीके से एक बार मछली के अंडे को जरूर बना के देखिएगा, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं मछली के अंडे से बहुत ही टेस्टी बनने वाला पकोड़ा बनाने वाली हूँ। मछली के अंडे का पकोड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 केजी रेहू मछली का पूरा अंडा लिया है और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। मछली का अंडा मछलियों में बरसात के मौसम में ही ज़्यादातर पाया जाता है। अब हम मछली के अंडे को सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मछली के अंडे को इस तरह से हल्के हाथों से मैश करते हुए इसे अच्छे से मिक्स करें। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। देखिए मछली के अंडे को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम एक छोटा साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, एक कटा हुआ हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब इसमें हम 2 बड़ा चम्मच बेसन ऐड करेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी डालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मछली का अंडा होता है वो ऑलरेडी लिक्विडी टाइप का होता है, तो ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाता है। और जब भी मछली का पकौड़ा बनाए तो उसमें बहुत ज़्यादा बेसन ना डालें, नहीं तो जब आप खाइएगा तो आपको मछली का अंडा का पता नहीं चलेगा। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। अब हम सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसे फ्राई करने के लिए कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं, लेकिन मछली के अंडे को पकौड़े को हमेशा मस्टर्ड ऑयल भी फ्राई करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके बैटर को ऑयल में डालते जाएंगे। ऑयल में एक बार में जितना पकौड़ा अटेगा उतना ही डालेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम में दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए मछली का अंडा एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम टर्न कर देंगे और इसे हम दूसरे साइड भी मीडियम फ्लेम में गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। कि मछली के अंडे का जो पकौड़ा हुआ दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब हम इसी तरह से सारे मछली के पकौड़े को तल लेंगे। देखिए मैंने उसी तरह से सारे मछली के पकौड़े को तल लिया है। देखिए यहाँ पे मैंने मछली के अंडे के पकौड़े को सॉस के साथ सर्व कर लिया है। आप चाहें तो इसे ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है, और लेकिन मानिए ये बहुत ही जल्दी बनके रेडी हो जाता है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। आप भी इस तरीके से एक बार मछली के अंडे का पकौड़ा जरूर बना के देखिएगा, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। आप एक बार इस तरह से मछली के अंडे का पकौड़ा बना लेंगे तो यकीन मानिए आप इसे जरूर बार बार बनाना पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।